चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जल ही जीवन है, लेकिन राजस्थान में जल दोहन है। जी हां, पानी पर न मुखिया का ध्यान न जनता जागरूक। जल संरक्षण करना तो दूर, अंधाधुंध जल दोहन से दिनों दिन धरती की कोख बिन पानी होती जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में ही 258% जल दोहन हो रहा है, जबकि जलदाय मंत्री का गृह जिला भी इस मामले में अव्वल है। यहाँ लोग जमीन से 221% जल दोहन कर रहे हैं। अगर स्थिति यही रही तो वो दिन दूर नहीं जब लोगों को पीने का पानी नसीब होना मुश्किल हो जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में जहां 200 से 323% तक जल दोहन किया जा रहा है। राजस्थान में जल दोहन के आंकड़े डराने वाले रहे हैं। जल दोहन में अव्वल जिलों में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, दौसा और अलवर हैं, जहां 200% से अधिक जल दोहन हो रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि आज भी प्रदेश में 60% पेयजल जरूरतें भूजल से पूरी हो रही हैं, लेकिन भूजल की स्थिति चिंताजनक है। प्रदेश के 302 ब्लॉक में 219 ब्लॉक में पानी अतिदोहित किया जा रहा है। जल संरक्षण को लेकर किसी को चिंता नहीं, सिर्फ 4 जिले ही सुरक्षित माने गए हैं, हालांकि इनमें भी 50% से अधिक जल दोहन हो रहा है। जलदाय विभाग के अफसरों की माने तो राजस्थान में पानी की उपलब्धता के मुकाबले जरूरत काफी अधिक है। अभी प्रदेश में जल की उपलब्धता सिर्फ 130 करोड़ लीटर है। अब सरकार का फोकस जल जीवन मिशन में घर घर नल कनेक्शन पर है, जबकि पानी उपलब्धता को लेकर कोई चिंता नहीं। जल जीवन मिशन अगले साल पूरा हो जाएगा और मिशन के पूरा होने के बाद प्रतिदिन पेयजल की आवश्यकता 350 करोड़ लीटर की होगी।